लोकसभा चुनाव लड़ेंगे फिल्म स्टार गोविंदा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल, उद्धव की बढ़ेगी टेंशन। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन महायुति सीट शेयरिंग तय करने के बाद आज सुबह घोषणा की तैयारी में था। इस बीच फिल्म स्टार गोविंदा भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सकता है। इससे पहले एकनाथ शिंदे की सेना के नेता कृष्णा हेगड़े ने मुंबई के जुहू स्थित उनके घर पर अभिनेता गोविंदा से मुलाकात की। राजनीतिक जानकारों की माने तो एकनाथ शिंदे गुट का गेम प्लान अभिनेता गोविंदा को अमोल कीर्तिकर के खिलाफ मैदान में उतारना है, जिन्हें शिवसेना यूबीटी ने मैदान में उतारा है। अमोल मौजूदा सांसद के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर जो एकनाथ शिंदे से जुड़ गए हैं। हालांकि उनके पिता को चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें अपने बेटे के खिलाफ खड़ा होना पड़ता। अमोल को हराने के लिए किसी योग्य उम्मीदवार की कमी के बीच शिंदे गोविंदा को मैदान में आने के लिए कहने के विचार पर कर रहे हैं। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से बातचीत चल रही है, लेकिन अब गोविंदा का नाम सुर्खियां बटोर रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे नेता के इस घर पर मशहूर अभिनेता से मुलाकात से यह साफ है कि गोविंद का आगामी आम चुनाव में उद्धव ठाकरे के खिलाफ लड़ना महज एक अटकल नहीं है। हालांकि अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं किया गया है और राजनीतिक दर्शक अभिनेता या पार्टी द्वारा दिए जाने वाले आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। गोविंदा 2004 में एक बड़े राजनीतिक नायक के रूप में उभरे थे, जब उन्होंने मौजूदा सांसद और बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को चौंकाने वाली हार दी थी।